किसी किसी को नींद नहीं आती है तो इनसम, और ये खास करके लेडीज को 45 के आसपास बहुत प्रॉब्लम होती है जब हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस समय आप एक तो अनुलोम विलोम को बढ़ा दिया करो, करके देख लो। अच्छा, दो चार बार भी होगा तो मन को शकुन मिलेगा। इससे एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, नींद बहुत अच्छी आती है, बीपी नॉर्मलाइज हो जाता है, थॉट्स बहुत अच्छे आते हैं। जिंदगी में तीन ही तो चीजें, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, तीन ही चीजें हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने बच्चों को भी सिखाना और खुद भी अपने दिमाग में बैठाना। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, जैसे हमारे थॉट्स होते हैं वैसे हमारे भीतर इमोशंस होते हैं, और उन्हीं इमोशंस के वशीभूत होकर हम काम करते हैं। थॉट्स जो भी होंगे इमोशंस को पैदा करेंगे, और इमोशन हमें वैसा करने के लिए बाध्य कर देता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो सबसे पहले विचार अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं अच्छा आहार और अच्छा विचार, यही जिंदगी का आधार है। हम विचार के आधार पर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ये बड़ी चीज है, इसको ध्यान रखो। अनुलोम विलोम करना, अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे इमोशंस रहेंगे, अच्छा काम करने की इच्छा होगी और गलत काम करने की इच्छा नहीं होगी। यदि दो ही चीजें हमारी जिंदगी में हो जाएं, हम इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करें, योग करना अच्छा काम है, कम खाना अच्छा काम है, प्यार से रहना अच्छा काम है, मेहनत करना अच्छा काम है, अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करें, और बुरा काम इच्छा होने पर भी उससे बचें, तो जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको लाइफ के मंत्र दे रहा हूं मैं आपको। नींद ना आना एक समस्या है, थायराइड दूसरी समस्या है, कपालभाति करो, उज्जाई करो, गले को टाइट करके सांस को भरा, दायना को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दी, ये 7 से 11 बार कर लिया। फिर तीसरा होता है गले के लिए, ऐसे गले को ऐसे यूं घुमाला, इससे थायराइड क्योर हो जाता है। तीन चीजें, चौथा ये को सिंहासन कराते हैं, जीभ बाहर निकाल के ऐसे सिंहासन करते हैं, गले को एक्सरसाइज मिल जाती है, थायराइड। और ए ए पॉइंट होता है यहां, अंगूठे के नीचे यहां से दबाते हैं, ऐसे दबाने से ये अंगूठे के नीचे यहां दबाते हैं, इससे थायराइड क्योर हो जाता है, थायराइड की दवाइयां बंद हो जाती है, T3 T4 TSH का बैलेंस हो जाता है, अल्ट्रोक्सिन आदि तमाम गोलियां बंद हो जाती है। अब और बड़ी समस्या क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज, हाइपरटेंशन, तो अनुलोम विलोम करो, लौकी का जूस पियो, हाइपरटेंशन टेंशन ठीक हो जाता है। डायबिटीज, कपालभाति, मंडूकासन करो, मंडूकासन कितना इजी है, ऐसे बैठ गए और ऐसे बैठ के नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगाई और आगे झुक गए, ऐसे कपालभाति, इसे पेनक्रियाज के बीटा सेल रिएक्टिवेट हो जाते हैं और आगे झुकने वाला मंडूकासन। ये दो ही चीजें कर लें तो डायबिटीज 100% कंट्रोल ही नहीं हो जाती, कुछ देर तक लगातार कपालभाति करो कुछ दिनों तक, तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है, और दो ही चीजें, खाली कपालभाति और मंडूकासन, यही इतना ही कर लें। कपालभाति 15 मिनट सामान्य रूप से, और किसी को पूरी बॉडी को नया करना हो, है ना, नया हो जाता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य शरीर हो जाता, आधा आधा घंटा कपालभाति करो तो डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और लाइफस्टाइल डिजीज में क्या है, छोटी छोटी बहुत समस्याएं हैं, गैस बनती है, कब्ज रहती है, टाइम से खाया करो, 4-4 घंटे के अंतर से थोड़ा थोड़ा खाया करो, चबा चबा करके खाया करो कुछ ना, और कामों में तो बहुत समय देंगे, खाने में ऐसे खाते हैं जैसे कि लड़ाई हो रखी हो खाने के साथ, धनाधन धनाधन खाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, इसमें पुरुष लोग ज्यादा जल्दी करते हैं, किसी किसी महिला का भी जिसका चंचल स्वभाव होता है वो बहुत जल्दी खाती है, इसलिए धीरे धीरे चबा के खाने से गुस्सा भी कम हो जाता है। सुन लेना, कोई कोई आते ही अपने घर में हस्बैंड का बैंड बजाना शुरू कर देती है, तो थोड़ा ये किया करो।
और ओबिसिटी के लिए सबसे अच्छा है कपालभाति। और इसके लिए मोटापा तो किसी बहन को नहीं चाहिए ना, सब स्लिम बनना चाहती है। अब स्लिम बनने के लिए बहुत ज्यादा कम खाती हैं, ओवर डाइटिंग गलत है, उससे क्या होता है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, इनकी कमी हो जाती है। तो एक तो कपालभाति किया करो, एक दो अभ्यास उल्टे लेट के, तीन अभ्यास सीधे लेट के, तीन अभ्यास बैठ करके, चार अभ्यास खड़े रह करके, ये 12 अभ्यासों का मैंने एक पैकेज बनाया। जो इस पैकेज को करें तो आप एक दिन में आधा से 1 किलो वेट अपना रोज कम कर सकती हो, बैठ करके। तीन अभ्यास है तो देखो, एक तो ये ऐसे, ये 5 मिनट ऐसे घुमाना। 5 मिनट घुमाने से तुम्हारा पेट ना एकदम फिट रहेगा। मातों बहनों को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स, ओवरी में सीस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज और पीरियड की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ये देखने में हल्का सा है, आपको लगता है इससे क्या होगा, करके देखो पता लग जाएगा। ऐसे आगे पीछे, अब कुछ तो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ही करेंगे, ऐसे नहीं, आगे पीछे पूरा ऐसे जाना। 5 मिनट ये कर लेना, फिर 5 मिनट ये दूसरा, ऐसे ऐसे ये ऐसे क्रॉस करके। तो आप देख रहे हो ना, इसमें पूरी आपकी पेट की हालत क्या होती है, पूरा पेट एकदम फर्स्ट क्लास है ना, ये ऐसे पूरा पेट एकदम सेट हो जाएगा, इधर इधर बढ़ा रहता है ऐसा। फिर आगे पीछे ऐसे देखो, आगे झुक के माथा घुटनों से लगाने की कोशिश कर लेना, लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको पश्चिमोत्तानासन, चक्की आसन, त्रिकोणासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके 2 अभ्यास होते हैं। ऐसे लेट गए तो इससे जो टमी बढ़ जाती है ना वो कम हो जाता, जो टमी बढ़ जाती है, पेट बढ़ा हुआ, उसके लिए एक ही अभ्यास, ऐसे उठे नीचे आए, तो जो तोंद बोलते हैं ना हिंदी में, ये तोंद बड़ी रहती है, बहुतों का पेट आगे बढ़ा रहता है, इतना खराब लगता है, लेकिन लेके घूमते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती। ऐसे क्या ये कर लेना रोज। हाँ, जब नहीं बड़ा होता है तब जींस पहनती है, और जब बढ़ जाता है तब साड़ी पहनना शुरू कर देती है, फिर ऐसे ढक लेती है, फिर देखो ऐसे, एक तो ये 10 बार किया करो, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे। इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, 10-20 बार, एक एक अभ्यास को 25-50 बार तक कर सकते हो। दूसरा ऐसे ऐसे, ये किया ऐसे, मैंने उसी में पहले हाथ साइड में थी, फिर नीचे आ गए, ये वेट घटाने के लिए। आगे से उठाया, ये भुजंगासन है, फिर पीछे से उठा देते हैं सलभासन, ऐसे एक एक पैर को पीछे से उठाते हैं ना, फिर दोनों पैरों को एक साथ भी ऐसे उठा सकते हैं, जोर पड़ता है, बाबा जी करने में हल्का लग रहा है। फिर सीधे लेट के, सीधे लेट के वेट को कम करने के लिए या तो एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाए, या हो सके तो दोनों पैरों को ऐसे, ये ऐसे, मैं दोनों से करके दिखा रहा हूं क्योंकि धोती पहन रखी है ना, तो ऐसे, और फिर ऐसे गोल घुमाना, तो एक एक को भी घुमा सकते हो और दोनों को भी घुमा सकते हो ऐसे, हाँ इतना बड़ा घुमा सकते हो, तो ऐसे पूरा घुमा दिया, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर कोई आपको मोटी नहीं कहेगा, ऐसे ये पूरा यहां का सब झड़ जाएगा, ऐसे ये। फिर तीसरा ऐसे, ये साइकिलिंग, एक एक पैर से भी कर सकते हैं दोनों से, कमर में दर्द हो तो एक एक पैर से करना। कितने होंगे सीधे लेट के, कितने हो गए 3, उल्टे लेट के 2, और सीधे बैठ के 3, और खड़े होकर के 4, ऐसे ये साइड कम हो जाती है, इधर इतना खराब लगता है जब इधर से वेट बढ़ जाता है ना, तो एक ऊपर से एक नीचे से बीच में आके लेयर बनती है मोटी सी, ये नहीं रहनी चाहिए। कैसे देखो, ऐसे ही ऐसे, ये कितनी बार करना, ये सारी कमर ना ऐसी हो जाएगी, ऐसे टाइट रहनी चाहिए, किसी किसी को तो इतना मोटा मोटा रहता है।
फिर ये साइड में ऐसे झुकना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी बार ऐसे 20-30-25-50 बार कर सकते हो, पूरी कमर पसीना आ जाएगा करते करते ऐसे, फिर ये क्रॉस करके ऐसे, फिर ये आगे पीछे का पूरा फैट बैलेंस होना चाहिए, यहां भी बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी किसी को इधर से बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लिए ये पीछे पूरा गए और आगे पूरा ऐसे ऐसे आगे पीछे, समझ में आया? ये 12 अभ्यास हो गए, 4 अभ्यास खड़े होकर के, 4 अभ्यास खड़े होकर के, 2 अभ्यास लेट के, 3 सीधे लेट के, 12 अभ्यास। इसलिए मैं कह रहा था याद रखा करो, ये 12 अभ्यास जो कर लेंगे ना, और खाने पीने में थोड़ा सा बस गर्म पानी पियो और लाइट फूड लो, सभी तरह का खाना खाओ, उसमें अनाज कम कर दो, खास करके अनाजों में 2 अनाज, वीट एंड राइस, बाकी बहुत सी चीजें खाने के लिए। आपसे एक जो प्रश्न मुझे लगता है जो पूछना चाहिए बाबा जी, एक जो समस्या आयुर्वेद योग और इस प्रकार के जो जीवन के लिए एक होलिस्टिक लिविंग की जो आप एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इसमें कठिनाई मैंने ये पाई है कि बहुत सारे अपने लोग इसको कर नहीं पाते हैं, लगातार इसको कठिन मानते हैं, सुबह ट्रेडमिल आ गई घर पे, लग गई उस पर, चढ़ गए, कुछ दिन शौक रहता है, फिर बाद में उसमें जंग लग जाता है, जंग लग जाती है, जिम्स की महंगी महंगी मेंबरशिप लेते हैं, स्ट्रक्चर है, परंतु योग के साथ बहुत लोग, क्योंकि इसको जीवन में एक स्टेज के बाद अपनाते हैं, युवा अवस्था में नहीं अपनाते हैं, तो मेरा अनुभव बाबा जी ये है कि बहुत लोग कहते हैं नहीं बहुत अच्छा था परंतु कर नहीं पाया, डट नहीं पाया, दर्दें शुरू हो गई, परेशान रहा, समय नहीं निकाल पाया, तो ये जो एक डिसिप्लिन की आवश्यकता है ये कैसे लाएं अपने जीवन में? यहाँ जितनी भी बैठी हुई हैं मुझे लगता है बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत डिसेंट हैं, बहुत अच्छी हैं बहनें, अपने आप को ना सुबह उठ करके ऐसा महसूस किया करो, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, देखो अच्छी अच्छी बातें सोचा करो अपने बारे में। हम सुबह उठते ही ना कई बार ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, मैं बहुत ख़राब हूँ, ऐसे ऐसे नहीं सोचा करो। और व्यक्तिगत जीवन की सबसे बड़ा दोष है आलस्य, किसी भी चीज़ में ना आलस्य मत करो, 1 घंटा रोज अपने शरीर के लगाओ, 100 साल तुम्हारी उम्र अच्छी रहेगी, 100 साल। व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दोष है आलस्य, और सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा दोष है द्वेष करना। क्या करना? देवरानी का जेठानी से, जेठानी का देवरानी से, फिर सास का बहू से, बहू का सास से, कुछ ना कुछ मन मुटाव चलता रहता है, ये ठीक नहीं है। अच्छे से जीवन है, थोड़ी सी तो जिंदगी है, इसमें क्यों इधर उधर उल्टा पुल्टा सोचते हो? तो ये जो आलस्य वाली चीज है ना, इसको निकालना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा शब्द है, उसको बोला जाता है हिंदी में अभ्यास, बांग्ला में बोलते हैं ओभ्यास, ओभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस। ये अच्छी चीजों की प्रैक्टिस करो, होल लाइफ इज प्रैक्टिस, जो आप करते हो वो आपका स्वभाव बन जाता है, हॉबी बन जाता है। तो आप लोग इसको करेंगे थोड़े दिन ना, सामान्य थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स पेन होंगे, तो होने तो क्या दिक्कत है, ठीक हो जाता है, 5-7 दिन में बॉडी ट्यूनअप हो जाती है। अब हम ना करें तो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए एक तो इसको ठीक करें, अपने अभ्यास अच्छे बनाएं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा तीखा तला खाने की इच्छा है तो थोड़ा चेंज कर लो, 5-7 दिन खराब लगेगा, फिर बाद में वही अच्छा लगने लगेगा। मनुष्य पर अध्ययन किया गया, 7 दिन तक जो उसको खिलाओ, जो उसको करवाओ, चाहे प्रैक्टिस है किसी भी तरह की फिजिकल
या उसके थॉट हैं, या उसको देखने की, सुनने की, खाने पीने की, 7 दिन तक कोई उससे काम करा दो तो 7 दिन, इसीलिए 7 वार होते हैं ना, 7 दिन में पूरा साइकिल चेंज हो जाती है। तो आप कोई भी अच्छी चीज़ यदि आपको इच्छा भी नहीं है तो 7 दिन कीजिए, बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी। और ख़राब चीज़ तो 1 ही दिन कीजिए, दारू 1 दिन पियो, जिंदगी भर पीने लग जाओगे, पियक्कड़ हो जाओगे। खराब चीज़ 1 दिन में आदत पड़ जाती है और अच्छी चीज़ की 7 दिन में। गुरु जी, कोक और पेप्सी, इसके विषय में आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड रहा है। आपने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़ा देना चाहिए, और आप कुछ ऐसा निकालना चाहेंगे जो कि उसका हेल्दी सब्स्टिट्यूट हो। गुरु जी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हेल्दी सब्स्टिट्यूट आप लोगों के घरों में ही है। बच्चों को नारियल का पानी पिलाइए, नींबू का पानी पिलाइए, फलों के जूस पिलाइए, 2-3 फलों को मिक्स करके पिलाइए। सबसे अच्छा है ताज़ा जूस, जो बोतल बंद जूस आता है या टेट्रा पैक में भी आता है, मैं तो उसको भी प्रेफर नहीं करता हूँ, वो सेकंड चीज़ है। इसलिए हर चीज़ को हम बाज़ार के आधार पर देखने के लिए ठीक नहीं है। अपने आप भी कुछ मेहनत करो, अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ों को खिलाने की आदत डालिए, और ये सारी दुनिया को पता लग गया। अमेरिका और ब्रिटेन जहाँ की कंपनियाँ हैं, यूएस में और जो है पूरे यूरोप में, वहाँ स्कूल कॉलेजों में बैन है, आप एक भी बोतल अंदर नहीं बेच सकते। इस तरह के भी कानून बनाए गए, क्योंकि इससे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि पेट और मूत्र नली का कैंसर तक होता है। इतनी खतरनाक चीज़ है, क्यों पिए हम? कहते तो उसमें इंजॉय आता है। क्या इंजॉय? हमने जो है, मैंने वैसे कभी ऐसे इंजॉय करने के लिए पिया नहीं, लेकिन ऐसे खराब हर चीज़ पी के देखी नहीं जाती है। लेकिन एक वक्त था जब 20-21 साल पहले मैंने इसको पी कर देखा, मैं इसे देखूँ तो सही, लोग क्यों पागल हो रहे हैं उसमें, हमें तो कोई टेस्ट आया नहीं। क्या टेस्ट है उसमें? इससे बढ़िया आप घर में कितने अच्छे रेसिपी बना करके आप पी लेते हो। तो ये कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, जितना भी फास्ट फूड है, अब उसके ऊपर साइंटिफिकली रिसर्च भी हो गया है। अब आदमी कहता है इसमें स्पीड है, कंफर्ट है, कन्वीनियंस है, और थोड़ा सा इंजॉय भी है। इंजॉय क्या है? हाँ, आजकल तो पेप्सी ने ऐड शुरू कर रखा है, जैसा मूड वैसी पेप्सी। अरे हम कभी भी पेप्सी नहीं पीते, हमारा मूड हमेशा अच्छा रहता है। ये पेप्सी पीने से मूड थोड़ी ठीक होता है, ये तो हमारे थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। तो अब ऐसे ऐसे विज्ञापन करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं। तूफान कोई कोका कोला पेप्सी थम्सअप की बोतल में थोड़ी है। कोका कोला तो जो है वो तूफान तो आदमी के भीतर भरा हुआ है। अरे अपने भीतर की इतनी ऊर्जा है, उसको उपयोग करो, कहीं बोतलों में थोड़ी तूफान बंद है। तो मनुष्य के अपने मन को ना हमें समझाने की जरूरत है, और इन चीज़ों से जितना बचेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी थोड़े दिनों के अंदर तो सबको परिणाम मिल ही जाएगा। थोड़े दिन का मज़ा और फिर भोगो जिंदगी भर सजा। बाबा जी, सादर चरण स्पर्श। प्रणाम बेटा। मैं श्रद्धा अग्रवाल। मैं पूछना चाहूँगी गुरु जी कि अभी डेंगू इतना फैला हुआ है, इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा है कि जो हम 100% है बेटा श्रद्धा? डेंगू में 4 चीज़ें होती हैं। एक फीवर आता है, दूसरा लीवर ख़राब होता है, और उससे फिर प्लेटलेट घटते हैं, उससे फिर ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, और हार्ट बीट कम हो जाती है, और आदमी मरता है। खाली बुखार से नहीं मरता, बुखार तो पैरासीटामोल से कंट्रोल में आ जाता है, तो फिर मरा किससे? लीवर डैमेज हो गया, बीपी डाउन चला गया, हार्ट बीट कमजोर होगी, प्लेटलेट घट गए, पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज होने लग गया, और आदमी मरता है। तो मैं कहता हूँ एक दिन में आप कंट्रोल कर सकते हो। मेरी कोई सलाह माने तो धरती पर एक भी आदमी की डेंगू से मौत नहीं होगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ कह रहा हूँ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। क्या? गिलोय का जूस, गिलोय अमृता गुड़वेल अमृतवल्ली तपतिग्गा कुछ भी बोलो, यहाँ बांग्ला में क्या बोलते हैं? गुलंचो बोलो। तो ये पान जैसे पत्ते होते हैं, एक लता होती है, इसका रस भी हम देते हैं, गिलोय की गोली भी देते हैं, गिलोय का जूस। दूसरा एलोवेरा जूस, ये तो प्लेटलेट 100% बढ़ जाते हैं। अपना जो संरक्षक है उसके बच्चे को 4-5 हज़ार प्लेटलेट आ गए थे, और ऐसे ही बिना डेंगू के। किसी के लेडीज के भी बहुतों के प्लेटलेट कम आ जाते हैं, तो कहीं पर निशान ऐसे शरीर में चुटकी भी भरो तो फिर नीला नीला निशान पड़ जाता है, तो ये प्लेटलेट कम होने की निशानी है। गिलोय और एलोवेरा से प्लेटलेट 100% बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, गिलोय एलोवेरा के साथ साथ इसमें हम पपीते के पत्तों का रस, अनार और व्हीट ग्रास भी पिला देते हैं, तो लीवर फंक्शन एकदम 100% अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसमें तुलसी डाल दो, थोड़ा सा लौंग या काली मिर्च थोड़ी सी डाल दो, तो कफ खांसी भी नहीं हो रहती जो बुखार के साथ हो जाता है। तो कितनी चीज़ें हुई? 7 चीज़ें हो गई। गिलोय, एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, अनार का रस, वीट ग्रास, थोड़ा सा तुलसी या फिर लौंग, और ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ डाल दी, बस।
ये जूस पिलाने से पहले ही दिन में दो दो घंटे के अंतर से जूस पिलाओ, प्लेटलेट से आदमी की मौत नहीं होगी, 100% मेरी गारंटी है। और पहले ही दिन से प्लेटलेट बढ़ जाएगा, लिवर फंक्शन अच्छा हो जाएगा, बीपी और वो सब, और बुखार भी उतर जाएगा। गिलोई से बढ़िया बुखार की कोई दवाई नहीं है। और इसी से ही ये चिकनगुनिया भी ठीक हो जाएगा। चिकनगुनिया में दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, एक तो उसमें जॉइंट पकड़ लेते हैं, दर्द होता है और उसमें सूजन आ जाती है, उसके लिए चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर दूध में थोड़ा हल्दी ले लें छोटी। तो डेंगू और चिकनगुनिया का एक खूब फैला दिया है, इसका 100% इलाज है। और हो ना तो उसके लिए एक तो मच्छर आदि से बचें भाई, ये थोड़ा कुछ ना कुछ ऐसी क्रीम लगा लें जिससे मच्छर ना काटें, कुछ घर में इस तरह का प्रबंध कर लें, घर में कोई डेंगू वाले साफ पानी में कहीं मच्छर पैदा होते हैं वो ना हो। फिर इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है, गिलोय खाने से सबसे अच्छी इम्यूनिटी रहती है। सबसे बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम करो, दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय की गोली खाओ। गिलोय छोटे बच्चों को बहुत छोटा बच्चा 2-3 साल का तो आधी गोली गिलोय की, बड़ा है तो एक गोली, और जो बहुत आप लोग हैं तो 2 गोली सुबह सुबह खाली पेट खा लो। जिंदगी में आपको कभी भी बुखार नहीं चढ़ेगा, स्वाइन फ्लू डेंगू चिकनगुनिया की तो बात ही क्या है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, 25 साल से मुझे एक बार भी बुखार नहीं आया, और सर्दी जुकाम भी नहीं होगा बार बार आपको। बहुत से बच्चों की इम्यूनिटी इतनी वीक होती है 2-3 महीने में बुखार उनको आ ही जाता है। और लेडीज किसी ऐसी चुलबुली सी है, थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ी सी सर्दी आई और इसको नाक चलने लग गया, थोड़ी सी गर्मी आई उसी से इसका पेट चल गया। इम्यूनिटी गिलोय खाने से बहुत जबरदस्त बढ़ती है। अभी तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को बोला तुम लगाओ, हमने कहा 1000 करोड़ रुपए हम तुमको गिलोय से ही देंगे, बिना मतलब की चीजें खा खा करके लोग परेशान हो। गिलोय सबसे बढ़िया चीज है, रोज खाया करो। नेक्स्ट, आपका सवाल। प्रणाम बाबा, आप एक अर्थराइटिस के और अस्थमा के बारे में और बताइए। काफी लोगों को जानना था कि अस्थमा की प्रॉब्लम है और अर्थराइटिस हो जाता है जैसे 50 के बाद या 40 के बाद, उसके लिए क्या एक्सरसाइज या क्या आपकी दवाइयाँ? सबसे अच्छा होता है अर्थराइटिस के लिए गिलोय। गिलोय शास्त्र में नहीं लिखा, जैसे कुछ चीजें ना किताबों में नहीं लिखी। गिलोय की टेबलेट गिलोय के नाम से ही मिलती है? गिलोय घनवटी, खाली गिलोय। हाँ, अपने सेंटर्स पर मिल जाएगी। अच्छा, और आप गिलोय की लता को कहीं पर भी कूट करके रस पी सकते हैं। गुलंच बोलते हैं यहाँ पर, गड़ो गिलो तो तिपति को लोग रात को भिजा देते हैं, रात को भिजो के सुबह उसको उबाल करके पी सकते हैं। 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बजाए तो पी लो। तो गिलोय अर्थराइटिस के लिए, और वो अर्थराइटिस जो किसी दवाई से ठीक नहीं होता उसको बोलते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस। गिलोय, एलोवेरा जूस, और एक हार श्रृंगार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार श्रृंगार एक पौधा होता है, हार श्रृंगार के पत्तों का रस, गिलोय का रस, एलोवेरा का जूस, और फिर बाकी चीज़ें बाजार में अक्सर मिल नहीं पाती तो हमने एक काढ़ा बना रखा है पीड़ांतक क्वाथ, उसमें सारी वातनाशक औषधियाँ हैं, पीड़ांतक क्वाथ, उसको सबको उबाल करके पी लो। ज़्यादातर अर्थराइटिस की दवाइयाँ लेते हो तो क्या हो जाता है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, एसिडिटी आदि हो जाती है, ये भी कुछ नहीं होगा। अर्थराइटिस के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। फिर किसी को ज़्यादा अर्थराइटिस हो तो चंद्र प्रभावटी ले लो, योगराज गूगल ले लो, और चंद्र प्रभावटी, योगराज गूगल, फिर किसी किसी को जो है ऊपर से नीचे तक स्पाइन में दर्द होता है, नस नाड़ियों में भी दर्द होता है, तो त्रयोदशांग गूगल भी इसमें फायदा करता है। तो त्रयोदशांग गूगल, चंद्र प्रभावटी, सूजन है तो पुनर्नवादी मंडूर, ऐसे कुछ औषधियाँ ले लेते हैं तो ज़्यादा भी अर्थराइटिस है तो 100%। कपाल भाती करो, सारी चीज़ों का माने जो है ESR का, यूरिक एसिड का, और ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस का, माने हड्डियों के मेटाबॉलिज्म का, सब बैलेंस यहाँ से होता है। पूरी बॉडी का बैलेंस लीवर से और पेट से होता है, इसलिए मैं सबको कहता हूँ कपाल भाती जरूर करो तो अर्थराइटिस क्योर हो जाएगा। फिर एक बना हुआ चूर्ण हम देते हैं, आपसे घर में भी बना सकते हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, ये 3 चीज़ें तो सबके घरों में होती हैं। फिर इसमें आप यदि 2 चीज़ें और मिला देते हैं, इनकी मात्रा भी बताइए। 100-100 ग्राम हल्दी, मेथी, सौंठ, 100-100 ग्राम 100 ग्राम फिर अश्वगंधा पाउडर, और 100 ग्राम एक सिंघाड़े जैसी औषधि होती है उसको सुरंजान कहते हैं, ये जो है यूनानी वाले ज़्यादा प्रयोग करते हैं, सुरंजान मीठी। अर्थराइटिस के लिए और सियाटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए, इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। थोड़ा जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते इसको, तो 100-100 ग्राम 5 चीज़ें ले ली, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, सुरंजान। तो ये 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम ले लो। और किसी को बनाने में ऐसी चीज़ों की दिक्कत हो तो एक वातारी चूर्ण हम बनाते हैं, बहुत सस्ता सा होता है, 30-40 रुपए का होगा मुश्किल से,
वात आरी चूर्ण, वात आरी, आरी मनी दुश्मन, वात आरी, वात का दुश्मन, वात का दुश्मन तो वात आरी चूर्ण ले लिया, इसी से ही अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। दूसरा प्रश्न था आपका, आप सुबह सुबह बहुत चीजें बोलते हैं खाने के लिए, खाली पेट में उतनी चीजें कैसे खा सकता आदमी? क्या गिलोय का रस भी ना, सुबह सुबह ये देखो, एलोवेरा भी, ये सारे एक साथ पी लो, एक साथ पी सकते, एक साथ पी लो सारी चीजें। अच्छा। जितने भी मैं बताता हूँ ना, तो सुबह सुबह एक साथ पी लो, और जितनी चीजें देखो, खाली पेट कोई भी चीज लोगे तो जल्दी असर होगा। क्यों? खाने के बाद लोगे तो पहले तो खाना हजम होगा, फिर वो दवाई हजम होगी, फिर वो असर करेगी। नहीं तो इसमें गिलोय भी, आंवला भी, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी, लहसुन, सब एक साथ मिला लो, कोई लड़ाई नहीं है इनके आपस में, तब ठीक है। स्लो फीवर, वो भी गिलोय खाने से 5-7 दिन के बाद ही फीवर आना बंद हो जाएगा। 2-3 महीना 6 महीना लगातार खा लो, 1 साल खा लो लगातार, जिंदगी में कभी फीवर नहीं आएगा। 5 साल में है तो 5 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर मेरे को डोनेशन हरिद्वार में भेज देना। एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ, किसी किसी को थोड़ा थोड़ा बुखार रहता है, या हर 2-3 महीने बाद बुखार हो जाता है, बहुत सी बेटियों को।